बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद यू विद लेक्चर नंबर 20 ऑफ डेटा सर्चर्स एंड एल्गोरिथम कोर्स। एंड दिस लेक्चर इज एक्चुअली द पार्ट 4 ऑफ आवर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट रिकर्जन यूजिंग स्टैक्स। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर आफ्ताब अकरम एंड आई हैव डन माई PhD इन कंप्यूटर साइंस from South China, Normal University in Bangalore, China. And currently I'm working as a lecturer and in Division of Science and Technology, Institute of Education, Lahore. So last lecture में जो हमने stack के बारे में हमने डिस्कस किया था कि stack एक basic data structure जिसको कि हम यूज़ करते हैं। It's just like list, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये list से मुख्तलिफ है, because इसके जो ऑपरेशन जो हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं वो काफ़ी सिंपल। सो देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। तो उसमें हमें कोई लोकेशन नहीं बतानी पड़ती है, बिकॉज वी कैन इंसर्ट और रिमूव एन आइटम फ्रॉम ओनली वन साइड। तो इस वजह से जो है ये पुश एंड पॉप, दिस आर वेरी सिंपल ऑपरेशन। तो पुश में हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और पॉप में ये होगा कि जो भी टॉप वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न मिलेगी। तो ये है तो काफ़ी सिंपल, तो जहन में क्वेश्चन आता है कि इसके यूजेस क्या हैं। सो एक तो उसका यूज़ है कि हमने रिकर्जन पढ़ी थी। रिकर्जन को टिपिकली समझा जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, और रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करना या एक रिकर्सिव एल्गोरिथम डिज़ाइन करना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि हम रिकर्जन को स्टैक के जरिए किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक को यूज़ करके किस तरह से एक रिकर्सिव एल्गोरिथम उसको हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट जो कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि परहैप्स द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट यूजेस स्टैक इज नॉट इवन विजिबल टू यूजर। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब रूटीन कॉल्स इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन टाइम एनवायरनमेंट। तो बेसिकली सब रूटीन कॉल का मतलब है कि जब हम एक फंक्शन जो है वो हम उसको हम एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसी में से हम जो है वही फंक्शन जो है वो एक और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और फिर इस तरह से होता है कि जो 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 एक फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इट मे कॉल वन और मोर सब फंक्शंस, कोई एक सब टास्क परफॉर्म करने के लिए गए वो उसको जो है वो कॉल कर सकता है। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं सब रूटीन कॉल। तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल इन सिंपल प्रोसेस, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी हम करंटली जो भी फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसकी जो भी स्टेट है, स्टेट जो इस वक्त एग्जीक्यूशन स्टेट है, वो हमें वो पूरा रिकॉर्ड हमें सेव करना पड़ता है। तो उसके बाद जब ये होगा कि जब जो सब जो जिस सब रूटीन को कॉल किया है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, तो अगेन हमें जो है उसको इकट्ठा करके कंबाइन करके तो हमें रिजल्ट्स हैं वो हमें देंगे। सब रूटीन कॉल इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय प्लेसिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब रूटीन इंक्लूडिंग द रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स ऑन टू अ स्टैक। तो इसको हम कहते हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, विच इज़ द रिटर्न एड्रेस। इसका मतलब ये है कि जो ये मेमोरी में जो फंक्शन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके पैरामीटर्स क्या थे, और लोकल वेरिएबल्स जो भी हमने क्रिएट किए थे वो क्या थे। तो ये सब चीज़ें जो है इसको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये इसको जो है वो हम स्टैक पे हम इसको जो है वो पुश कर लेते हैं। तो शुरू में होता है कि जब एक मेन एक फंक्शन है, उसने अगर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया और हमने फंक्शन को वेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि बजाय कि उसको मेमोरी में रखने के, हम उसको स्टैक पे हम उसे पुश कर देंगे। और जब जो सब रूटीन जिसको कॉल किया गया वो उसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाएगी, तो हम दोबारा उसको जो है वो स्टैक से हम उसे पॉप कर लेंगे। तो ये बड़ा एक फंडामेंटल एक कहने के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, जिसके ज़रिए जो है वो सब रूटीन कॉल को जो है वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि जितनी भी सब फंक्शंस आते जाएंगे, आप ये ज्यूम करेंगे, अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन वन है,
और इसने एक फंक्शन टू को जो है वो कॉल किया, और फंक्शन टू ने फिर एक फंक्शन थ्री को कॉल किया, और फंक्शन थ्री ने फॉर एग्जांपल फंक्शन फोर को कॉल किया। इट इज़ पॉसिबल, इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अब टिपिकली इस तरह से होता है कि अंटिल ये जो जो दिस वाज द मेन फंक्शन, इसने इस फंक्शन को कॉल की, और उसके बाद इसने इस फंक्शन को कॉल की, एंड देन दिस फंक्शन कॉल दिस फंक्शन। तो जब तक ये जो फंक्शन है ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता, तो बाकी जो फंक्शन है दे विल बी इन वेट स्टेट। तो हम क्या करेंगे कि हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे, और हम उसमें क्या करेंगे कि अंटिल के फंक्शन जो नेक्स्ट फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, हम इन फंक्शन को जो है इनको जो है वो हम स्टैक के ऊपर पुश करते जाएंगे। आप ये देखें कि जो पहला फंक्शन था दिस वन, ये स्टैक में सबसे बॉटम पे आ गया, उसके बाद सेकंड फंक्शन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, फिर ये जो है वो टॉप पर आ गया फंक्शन थ्री में, और इसके ऊपर जो है फंक्शन फोर होगा। जब फंक्शन फोर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो तब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है फंक्शन थ्री को की तरफ जाएँ, और फंक्शन थ्री के बाद फंक्शन टू की तरफ, फिर फाइनली फंक्शन वन की तरफ। तो इस तरह जो है हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन जो है वो इस तरह नीचे की तरफ आते रहेंगे, और ये बड़ा ये सिंपल हो जाएगा। हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई ओवरहेड स्टोर करने की कि हमने किस फंक्शन को पहले कॉल करना है और किसको बाद में करना है। तो ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा, क्योंकि हम जब फंक्शन टू को कॉल करेंगे तो वन को जो है वो हम स्टैक पे पुश कर देंगे, जब थ्री को कॉल करेंगे तो टू को कर देंगे, फोर को करेंगे तो थ्री को कर देंगे। इसी तरह से जब इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी फोर की, तो फिर हम थ्री की तरफ आएंगे, थ्री की जब कंप्लीट होगी तो फिर टू की तरफ आएंगे, और टू की जब कंप्लीट होगी फिर फाइनली वन की तरफ आएंगे। तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेरी कन्वीनियंटली यूजिंग स्टैक। तो ये मैकेनिज्म देखने में तो लगता है कि ये ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली ये जब हम स्टैक के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इट्स बिकम वेरी ईजियर। ओके, तो ये एक हमने लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ईच रिटर्न फॉर्म सबरूटीन पॉप से टॉप एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ दिस स्टैक। तो ये भी जस्ट हमने जो वो हमने बात की थी कि जब आपने एक फंक्शन कॉल करनी है तो जो जो उसको जो कॉलिंग फंक्शन है हम उसको स्टैक पे पुश कर देंगे, और जब जो है वो एक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके एग्जीक्यूशन, तब हम क्या करेंगे कि हम उसको स्टैक से हम उसे पॉप करते जाएंगे। एक हमने एग्जांपल की थी लेक्चर नंबर 8 में, जिससे हमने देखा था कि हम फैक्टोरियल को रिकर्सिवली जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट उसको रिवाइज करने के लिए हम उसको देख लेते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन जो है वो एक हमने हमने वहाँ पर डिज़ाइन किया था, हमने इसको कहा था, इसमें वो फैक्ट हमने उसको रखा था जो कि ये करता है कि वो एन नंबर्स, कोई भी नंबर एन हो तो उसका फैक्टोरियल रिटर्न करता है। तो बेसिकली फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम एन को उससे जो लोएस्ट नंबर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद अंटिल के हम वन तक जो है वो हम पहुँचे, वन से हम बिलो जो है वो नहीं जाएंगे। वन का फैक्टोरियल भी वन होता है, और ज़ीरो का फैक्टोरियल भी जो है वो भी वन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फोर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें तो वो कुछ ऐसे होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू और वन। इसमें वन जो है ये बेस केस है, जो रिकर्सिव कॉल होगा उसमें ये बेस केस होगा, और जो वन का फैक्टोरियल दैट विल बी ऑलवेज वन। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम एक फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे कि उसी फंक्शन को हम रिकर्सिवली जो है वो कॉल करते रहेंगे। ओके, तो इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमने ये देखा था, तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा एक, हमने उसको ए की सिर्फ उसको हमने पैरामीटर पास किया विच इज़ एन नंबर, हमने उसको पास किया। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि एन शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, बिकॉज जो 12 का जो है 12 से ग्रेटर जो है ये 32 बिट्स में ये नहीं आ सकता, तो इसलिए जो है वो हमने इसको, ये लिमिट है हमारी कि जो जो भी नंबर हम ये जो एन की वैल्यू है डेटा बिटवीन 1 एंड 12। और उसके बाद क्या होगा कि इफ़ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 देन वी विल रिटर्न 1, ये बेस केस है। और उसके बाद अदरवाइज क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम एक ईयर कर से कॉल जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज कि अगर आप इसको आप फोर एन इज इक्वल टू 4 लेते हैं,
तो नेक्स्ट टाइम ये जो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, और उसके बाद क्योंकि ये रिकर्सिव रिकॉल हो रहा है, फिर ये 2 होगी, फिर ये 1 तक जाएगी। अब आप 12 से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये होगा कि अब 11, 10, 9 और फिर अप टू आप 1 तक जाएंगे। जब आप 1 पे पहुँच जाएंगे, विच इज़ आवर बेस केस, तो फिर अपना रिटर्न जर्नी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 9, 10, 11 और फिर 12। तो ये इस तरह से जो है ये काम करेगा। तो इसमें ये होगा कि अगर हमने फर्स्ट टाइम हम जब 12 फॉर एग्जांपल 4 है, तो जब हम 4 को हम कॉल यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, तो जब हम 3 के साथ इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, तो दिस कॉल विल बी वेटिंग, ये वेट में होगी, तो उसको हम स्टैक पे पुश कर देंगे। और जितनी देर में इसी तरह से जब 3 जो है वो 2 को रिकर्सिवली कॉल करेगा विद एन वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2, तो फिर क्या होगा कि 3 जो है वो स्टैक पर पुश हो रही है। और इसी तरह से 2 के बाद जब हम 1 को इसी फंक्शन को हम एन इज इक्वल टू 1 के साथ कॉल करेंगे, तो 2 जो है वो उस वक्त स्टैक पर जो है वो मौजूद होगा। और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे होंगे कि बॉटम पे जो है वो 4 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। और जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, हम इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में जो है वो हम आते जाएंगे। ओके, तो ये था उसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है कि फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द फंक्शन कंस्टिट्यूट द बेस केस, ये जिस तरह से हमने ये बात की थी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 और 2 के दरम्यान होनी चाहिए, और ये जो है कि अगर 1 है तो देन इट विल रिटर्न 1, अगर एन इज इक्वल टू 1 तो वो, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 1 देन द रिकर्सिव कॉल इज मेड टू फैक्ट अनटिल द बेस केस इज रीच्ड। तो अब जितनी मर्जी आप एन की वैल्यू हायर लें, यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है 12 तक, तो 12 भी लेंगे तो ये रिकर्सिव कॉल होती रहेगी अनटिल जो है वो हम इस बेस केस तक जो है वो नहीं पहुँच जाते। यानी कि इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू, क्योंकि हर स्टेप में जो है वो एक एक कम हो रही है, देखिए कि हम जो अगली जो नेक्स्ट कॉल है तो वो एन माइनस वन के साथ है, तो इस तरह से जो अगला फंक्शन है फिर उसको एक एक वैल्यू लेस करता रहेगा अनटिल के हम एक एक वैल्यू एक एक माइनस करते हुए हम 1 तक जो है वो पहुंच जाते हैं। नोट दैट इन रिकर्जन फंक्शन कॉल स्टिल फंक्शन इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग व्हेन इट कॉल्स द नेम इट कॉल्स इटसेल्फ। तो उसमें ये होगा कि हम फॉर एग्जांपल हमने फैक्ट को जो है फर्स्ट टाइम कॉल किया 4 के साथ, तो यही फंक्शन जो है वो नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा, अपने आप को सेल्फ कॉलिंग करेगा, ये बट इस केस में जो होगा जो वैल्यू है ये 3 होगी, इट विल बी नॉट 4। तो अब क्या होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फंक्शन जो पहले जिसने 3 को कॉल एन वैल्यू 3 कॉल किया, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, स्टिल वेटिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करे। लेकिन होता ये है कि ये फंक्शन जो है ये फिर आगे जाके ये एक और को कॉल कर लेता है, विच इज़ फैक्ट 2, और फिर उसके बाद फिर ये दोबारा एक फाइनल रिकर्सिव कॉल बनाएगा विच इज़ 1। तो यहाँ पे आके हम बेस केस पे पहुँच जाएंगे, तो फिर हम अपना रिवर्स जर्नी स्टार्ट जो है वो करेंगे, यहाँ से फिर हम जो है वो 2 पे जाएंगे, 2 से फिर 3 का रिजल्ट लेंगे, और 3 का 4 पर फाइनली इस फंक्शन पे वापस आएंगे। तो दिस फंक्शन इज स्टिल वेटिंग, जब ये रिकर्सिव कॉल हम इसको हम कर रहे हैं तो ये फंक्शन अभी भी दिस फंक्शन इज स्टिल वेटिंग में, और इसकी एग्जीक्यूशन उस वक्त तक कंप्लीट होगी जब तक ये सारी रिकर्सिव कॉल जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाते। ओके, तो ये हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम ज़रा ग्राफिकली ज़रा इसको देखते हैं। तो फर्स्ट दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन कॉल, ये पहली फंक्शन कॉल होगी, ये अब नेक्स्ट एक फंक्शन को कॉल करेगा, बट दिस फंक्शन विल बी इन वेस्टेड। जब ये नेक्स्ट कॉल करेगा तो ये वेस्टेड भी होगा, और ये फंक्शन जो है अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, लेकिन ड्यूरिंग इज एग्जीक्यूशन ये क्या करेगा कि ये कोर रिकर्सिव कॉल जो है वो करेगा, बट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ एन इज 2, एन की वैल्यू इस केस में 2 हो गई। तो जब जैसे ये फंक्शन ये कॉल आएगी तो दिस फंक्शन विल बी इन वेट स्टेट, और उसके बाद फाइनली एक और कॉल होगी जिसमें हम बेस केस तक पहुँचेंगे। यहाँ पे बेस केस में जो एन इज इक्वल टू 1 है, तो इस केस में क्या होगा कि
ये जो है ये फंक्शन विद द वैल्यू ऑफ जिसमें कि हमने एन की वैल्यू 2 थी, ये वेट सेट 2 है। अब जिस तरह से ये फंक्शन जो है ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये रिजल्ट जो है वो रिटर्न करना शुरू कर देगा। और सबसे पहले जो है बिकॉज दिस फंक्शन वॉज वेटिंग फॉर दिस दिस फंक्शन, इसके ये एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा ये रिजल्ट्स इसको दे देगा, और जब ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा ये फिर रिजल्ट्स इस फंक्शन को दे देगा। और फाइनली ये जो है जो फर्स्ट फंक्शन था जहाँ पे हमने एन की वैल्यू हमारे पास 4 थी, इसको ये कॉल करेगा। और इस तरह से क्या होगा कि ये इस पूरे हमें जो फाइनली जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट विल बी 24। तो हमें जो है ये हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगी। तो इसमें जो है वो क्या है कि इसका जो तरीक़ेकार ये होगा कि जिस वक्त हम ये फंक्शन जो जिसमें एन की वैल्यू 4 है, ये जब एन की वैल्यू 3 वाले फंक्शन को कॉल करेगा, तो उस सूरत में उस वक्त क्या होगा कि हम इसको जो है वो स्टैक पे पुश कर देंगे। और जिस वक्त 3 जो है वो 2 वाले को कॉल करेगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम इस 3 वाले फंक्शन को इसको जो हम स्टैक पे पुश कर देंगे। और जब 2 वाला 1 वाले को कॉल करेगा तो 2 वाला जो स्टैक पे पुश करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये वन ये जो फैक्टोरियल है ये बेस केस वाला फंक्शन ये अपनी आउटपुट रिटर्न करेगा, तो सबसे पहले हम इसको स्टैक से पॉप करेंगे। फिर जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसको स्टैक से पॉप करेंगे, और तो फिर फाइनली हम इसको जो है वो पॉप करेंगे। तो इसकी एग्जांपल जो है वो ज़रा डिटेल में इस प्रोसेस को ज़रा वो देखें। तो हम क्या करेंगे कि हम वी आर कॉलिंग फैक्टर विद वैल्यू 4, वो यूज़ बेटा टू इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विद द कॉल टू फैक्टर इसमें। तो जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट होती है तो उसको मेमोरी में एक स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि ये उस ये जो बेटा है ये उस मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पे के उस फंक्शन उसका जो इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे उसकी पड़ी हुई है। ओके, द स्टैक मस्ट फर्स्ट स्टोर द एड्रेस बेटा, द वैल्यू 4 इज पास टू द फैक्ट। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बैठा को जो है वो स्टैक पे पुश कर देंगे, और 4 जो है जब ये इसकी कॉल बनाई जब इसको कॉल किया जाएगा तो इसको एज अ पैरामीटर जो है वो 4 जो है वो वैल्यू पास की जाएगी। नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल इज रिकर्सिव कॉल टू फैक्ट इज मेड दिस टाइम विद वैल्यू 3। तो अब अगेन हम क्या करेंगे कि फैक्ट को कॉल करेंगे, लेकिन इस टाइम वैल्यू जो है वो 3 होगी, 4 जो है वो नहीं होगी। वी विल नेम द प्रोग्राम एड्रेस फॉर विच द कॉल इज मेड इज बेटा 1। अब ये जो फंक्शन है दिस टोटली डिफरेंट, ये एक्चुअली उसी फंक्शन उसने सेल्फ अपने आप को कॉल किया है, लेकिन क्या होगा कि उसकी एग्जैक्टली कॉपी बन जाएगी। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि जो उसको इसको जो वैल्यू पास की जाएगी वो 3 होगी, तो उसका एड्रेस भी डिफरेंट होगा, उसका मेमोरी उसको सेपरेट एलोकेट की जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि इसको भी जो है ये बेटा 1 को भी हम स्टैक पे पुश कर देंगे। द एड्रेस बेटा 1 अलॉन्ग विद द करंट वैल्यू फॉर एन विच इज़ 4 इज सेव्ड ऑन द स्टैक। तो इसको जो है वो हम स्टैक पे सेव कर देंगे। होगा वो कंटिन्यू करेंगे, द फंक्शन फैक्ट इज इन्वोक्ड विद इनपुट पैरामीटर 3। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, इन सिमिलर मैनर अनदर रिकर्सिव कॉल इज मेड विद इनपुट पैरामीटर 2 रिक्वायरिंग दैट द एड्रेस फ्रॉम विच द कॉल इज मेड से बेटा 2 एंड करंट वैल्यू फैन विच इज 3 इज स्टोर्ड आर स्टोर्ड ऑन द स्टैक। तो अब इसमें फिर एक दफ़ा हमें क्योंकि हमें फिर एक दफ़ा हमें उसी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब इस वक्त हमारे पास जो 3 कॉपीज़ हो चुकी हैं, एक का एड्रेस जो है वो बेटा है, दूसरे का बेटा 1 है, और तीसरे का जो है बेटा 3। तो ये 3 डिफरेंट कॉपीज़ है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि पहले फंक्शन को जब हमने कॉल किया था तो हमने उसको वैल्यू दी थी 4, जब सेकेंड टाइम हमने इसको कॉल किया तो हमने इसको वैल्यू दे दी 3, अब जब हमने थर्ड टाइम इसको कॉल किया तो अब हमने इसको वैल्यू दे दी 2। और अब इसी तरह से हम इसको फोर्थ टाइम कॉल करेंगे तो ले वो उस वक्त जो है वो हम इसको वैल्यू जो है वो हम इसे 1 पास कर देंगे। फाइनल कर्सिव कॉल विद इनपुट पैरामीटर 1 इज मेड रिक्वायरिंग दैट स्टैक स्टोर द कॉलिंग एड्रेस से बेटा 3 एंड करंट वैल्यू विच इज 2।
तो अब ये फाइनल कॉल होगी क्योंकि इसके बाद जो है ये बेस केस हमारा तक हम पहुँचेंगे, तो इसके बाद फिर मज़ीद इसको कॉल नहीं करेंगे। तो टोटल हमारे पास जो फंक्शन कॉल्स हो चुकी हैं दे आर फोर, तो चार फंक्शन जो हमने कॉल किए। अब मेमोरी में हमारे पास फैक्ट के ये जो फैक्टोरियल फंक्शन था जिसको जिसके जरिए फैक्टोरियल रिकर्सिवली फाइंड आउट करते हैं, इसकी तीन कॉपीज़ चार डिफरेंट कॉपीज़ हमारे पास मौजूद हैं। दे आर एक्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस दैट कि इसमें जो वैल्यू जो एन के एम उसे पास कर रहे हैं वो डिफरेंट है। एट दिस पॉइंट वी हैव रीच द बेस केस फॉर फैक्ट एंड सो द रिकर्सिव बिगन्स टू वन। तो अब इसमें क्या होगा कि अब हम बेस केस पे पहुँच गए, अब हमारा जो है वो हम वापसी का सफर जो है वो ईच रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट इन वॉल्स पॉपिंग द स्टोर्ड वैल्यू फॉर एन फ्रॉम द स्टैक अलॉन्ग विद रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द फंक्शन का। तो अब हमने दो काम करने हैं, एक तो हम क्या करेंगे कि वो फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा उसको लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जो फंक्शन है कौन सा था जिसको जिसने कि इस फंक्शन को कॉल किया था उसको लेंगे, और इस तरह से एक एक फंक्शन को हम वहाँ से पॉप करते रहेंगे और उसको साथ साथ हम वैल्यू जो है वो हम इसको देखते जाएंगे। द रिटर्न वैल्यू फॉर फैक्ट इज मल्टीप्लाई बाई द रिस्टोर्ड वैल्यू ऑफ एन एंड द रिजल्ट इज रिटर्न। तो ये इस चीज़ को जो है वो हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं, ये आपकी बुक में दी गई है वहीं से जो है इसको मैंने यूज़ किया है। तो ये देखें, ये अभी हमने पहला इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है, फैक्ट को कॉल किया है। तो ये देखिए इसको आर्गूमेंट जो है वो हमने फोर हमने पास किया हुआ है। ये पहला पहले पहली कॉल फंक्शन कॉल जो था उसका उसका एड्रेस है, और अभी जो है वो हमने इसको जो स्टैक में पुश किया है। उसके बाद हमने दोबारा इसको कॉल किया, बट इस टाइम वैल्यू इसकी थ्री थी, ये उसका एड्रेस था, और साथ इस वक्त जो वैल्यू है दैट इज़ एन। और फिर उसके बाद फिर उसको एक दफ़ा कॉल करेंगे, तो अभी देखें कि स्टैक जो है पॉपुलेट होता जा रहा है, और हर हर एक में जो है ये बेस कॉल है, जो पहली कॉल थी इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर बेस कॉल, जिसने कि जहाँ से ये पूरी ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद हर हर स्टेप में हम जो करते रहेंगे, अभी देखेंगे यहाँ तक जो है वो हम पहुँच गए। और ये चार फंक्शन कॉल है, दिस इज़ द वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ थ्री एंड दिस इज़ फोर। और फाइनली हमने जब इसको ये तीसरी चौथी फंक्शन कॉल की थी उस वक्त हमने इसको वैल्यू दी थी वन। अब यहाँ से जो है फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है अपना जो है, क्योंकि ये फंक्शन जो है क्योंकि ये बेस केस पर पहुँच गया तो ये अब कोई मज़ीद रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा, ये बल्कि क्या करेगा कि वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे ही वैल्यू रिटर्न करेगा हम इसको क्या करेंगे कि जो करंट वैल्यू है एन के उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब ये हम ये इसको हम कदम इससे हम निबड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे इस तरफ। अब अगेन क्या होगा कि इस यहाँ पे जो है ये जो है ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर देगा थ्री, इसके इसकी वैल्यू जो है वो थ्री टू हो जाएगी, टू टू जो है क्योंकि टू मल्टीप्लाई वन टू होगा, और यहाँ पे फिर इसकी इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो टू होगी, टू के बाद हम इसको टू इंटू थ्री कर देंगे, और उसके बाद जो है इसके बाद फिर इसकी इस फंक्शन कॉल की बारी आएगी, इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो सिक्स होगी, और सिक्स के बाद फाइनली हम फोर को रिटर्न कर देंगे, और उसके बाद फाइनली जब फोर सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्वेंटी फोर, और फाइनली जो है फिर हम इधर आएंगे और इस फंक्शन की जो रिटर्न जो इसका ये हमें रिटर्न करेगा दैट इज़ 24। तो इस तरह से जो है वो हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो वापस आएंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमने ये जो है पहली जो यहाँ पे बेटा थ्री थी उसने हमें वन रिटर्न किया, वन रिटर्न किया तो हमने उसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टू हो गया, टू इंटू अब टू। अब यहाँ पे जो है जब ये जो ये वाली कॉल है उसने टू रिटर्न किया, ये वैल्यू जो है ये सिक्स रिटर्न करेगी, और ये फाइनली जो है ये 24 जो है ये रिटर्न करेगी। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 24 है। अच्छा, तो एक हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसको कि हम आइटरेशन के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसी को हम जो है वो हम उसको रिकर्जन के थ्रू भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे पास कोई रिकर्सन के ज़रिए हमने किसी को उसको इम्प्लीमेंट किया तो हम उसको जो है वो आइटरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सम टाइम जो है वो ये समझा जाता है कि जो विद आइटरेशन जो है फॉर लूप या व्हाइल लूप के ज़रिए
इम्प्लीमेंट करना जो है वो ज़्यादा आसान है, रिकर्जन की नस्बत है ये ज़्यादा ईजी है। अच्छा ना, बिकॉज एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड मस्ट बी क्रिएटेड एंड प्लेस ऑन द स्टैक फॉर ईच का सब रूटीन कॉल। मेकिंग सब रूटीन कॉल इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑपरेशन, एंड वाइल द रिकर्जन इज ऑफन यूज टू मेक इम्प्लीमेंटेशन ईजी एंड क्लियर, समटाइम्स यू माइट वॉन्ट टू एलिमिनेट द ओवरहेड इम्पोज बाय द रिकर्सिव फंक्शन कॉल। तो वो बाज़ अवकात जो लोग हैं इसको क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, उसको क्यों उसको कहते हैं कि हम उसको रिप्लेस करें, तो उसकी रीज़न जो है वो ये है कि उसकी रीज़न हमारे पास जो है वो ये हो जाती है कि ये जो ओवरहेड हमें इम्पोज करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शन को स्टैक पर पुट उसको पुश करेंगे तो उसका पूरा एक्टिवेशन कॉड के साथ आपको पुश करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ओवरहेड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, एक्टिवेशन कॉड को क्रिएट करना और उसके बाद उसको स्टैक पे पुश करना फिर उसको पॉप करना, तो ये थोड़ा ओवरहेड जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो लेकिन उसके बाद ये कि हम अल्ट्रेशन को भी हम उसको स्टैक के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये उसी तरह से हमने फैक्टोरियल ही फाइंड आउट करना है, इसमें भी हम उसी तरह से उसको एक वैल्यू एन पास करेंगे, लेकिन इसको जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि इसको बजाय कि हम रिकर्जन के थ्रू करने के वी आर डूइंग दिस बाय बाय लूप, एक हमने जो है ये वाइल लूप यहाँ पे जो है वो यूज़ किया। तो इसमें अब क्या है, ये पहली स्टेटमेंट जो है जैसे सिंपली के जो हमारी इनपुट है वो 1 से 12 के दरम्यान में, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये दिस इज़ आवर बेस केस, ये हमारा बेस केस है कि एन शुड बी ग्रेटर देन 1, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने एक एस डॉट पुश ऑपरेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैक भी हमने लिए, तो हम क्या करेंगे कि हम एस डॉट पुश ऑपरेशन जो यूज़ करेंगे, लेकिन अब इस क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू हमने इसको एन की शुरू में दी है उससे एक वैल्यू लेस जो है वो हम इसमें इसको जो है वो हम पास करेंगे, उसको जो है वो वहाँ पर पुश करते जाएंगे, और अब फाइनली जो है वो क्या होगा कि हम उसको एक उसको रिजल्ट जो है वो हम उसको देंगे, उसको हम एक यहाँ पे ये अब लूप उस वक्त तक जो है वो चलती रहेगी, ये वाली लूप उस वक्त तक चलती रहेगी। फर्स्ट स्टेप में हमने करना है कि हमने जो है वो सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है कि हमने स्टैक पे हमने उसको उसको जो है वो पुश करते जाए, सबसे पहले हमने जो है वो हमने ये काम जो है वो हमने करना। उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट में आएंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है लॉन्ग टाइप का लिया है, उसको हमने इनिशियल वैल्यू दी 1, और यहाँ पे हमने एक ये स्टैक का ही एक हमने एक मेंबर फंक्शन यूज़ किया है लेंथ के, इसकी लेंथ जो शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर लेंथ 0 हो जाए तो उसका मतलब है कि स्टैक जो इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि स्टैक से जो है 1 बाय 1 वैल्यू जो है वो लेते रहेंगे, उनको पॉप करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने पुश और पॉप कॉल में डिफरेंस देखना है कि पुश को तो हम वैल्यू दे रहे हैं लेकिन पॉप को कोई वैल्यू नहीं दे रही, उसकी रीज़न ये है कि जो भी टॉप वैल्यू होगी वो हमें ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दे और उसको जो है हम रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और ये प्रोसेस उस तक तक चलता रहेगा जब तक कि स्टैक इनपुट ही नहीं हो जाता, तो हमें एक रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा और फाइनली हम क्या करेंगे कि रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो ये इस तरीके से जो है वो जो है ये सारा काम जो है चलता है। बट इसमें थोड़ा सा ये है कि बट इज़ आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिप्लेस रिकर्शन विद अल्ट्रेशन, तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जिसमें हम रिकर्शन को अल्ट्रेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रिकर्शन सम इमिटेशन ऑफ इट नेसेसरी व्हेन इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिदम्स दैट रिक्वायर मल्टीपल ब्रांचिंग सच एज टावर ऑफ हैनोई एल्गोरिदम और व्हेन ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसी है कि इसमें हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम रिकर्शन को जो है वो उसको अल्ट्रेशन से किसी लूप से वाइल में फॉर लूप से जो है वो उसको उसको रिप्लेस करें। तो जैसे टॉवर हमें कि आपको याद होगा कि हमने एग्जांपल लिखी थी, इसी तरह एक बाइनरी जो है वो हमारे पास बाइनरी ट्री होता है, तो बाइनरी ट्री एक्चुअली क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, हम इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक रूट नोड होती है और उसके बाद इसकी हर नोड के आगे से 2 फर्दर नोड होती हैं, तो बाइनरी का मतलब ये है कि जो भी फर्दर हम देखेंगे नोड तो उसकी एग्जैक्टली जो है वो 2 उसके 2 ब्रांचेज होंगे। तो इस तरह से ये जो है ये हम इसको जो है वो लेकर चलते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हमने ये एल्गोरिदम 2 डिस्कस करने आगे चल के,
दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल इन रिकर्जन इज अप्लाइड। तो ये ऐसी एग्जाम्पल है कि इसमें हम अगर रिकर्जन से करें तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, अगर हम एडिशन के थ्रू करें तो वो इतना एफिशिएंट है वो नहीं होगा। फॉर्चुनेटली इज ऑलवेज पॉसिबल टू इमिट रिकर्जन विद स्टैक। तो अभी जैसे हमने देखा था कि हम रिकर्जन को बड़ी सक्सेसफुली जो है वो स्टैक के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वही काम जो हम यहाँ पे उसको जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम अपना तीसरा डाटा स्ट्रक्चर जो डिस्कस करेंगे, विच इज़ क्यूज। क्यूज भी इसी तरह से लिस्ट और स्टैक की तरह एक डाटा स्ट्रक्चर है, और इसमें इसमें भी जो फ़र्क है सर इसमें क्यू में और जो लिस्ट है उसमें सिर्फ ये है कि लिस्ट में हम कहीं किसी भी जगह पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यू में ये होगा कि इसमें हम जो हमारी इंसर्शन तो हम एक साइड से करेंगे लेकिन जो रिमूवल है वो दूसरे साइड से करेंगे। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जो अल्लाह हाफिज़।